हेलो गाइस, वेलकम टू द क्रिकेट सुपर फैंस। दोस्तों, एशिया 11 वर्सेस वर्ल्ड 11 के बीच होने वाली है एक जबरदस्त T20 सीरीज, जिसके लिए ICC ने इसका पूरा कार्यक्रम यानी कि कंफर्म शेड्यूल अनाउंस कर दिया है कि एशिया 11 वर्सेस वर्ल्ड 11 के बीच कितने T20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी और ये सारे मैचेस कब और कहां और कौन से स्टेडियम में खेले जाएंगे और कितने बजे से स्टार्ट होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं शेड्यूल के साथ साथ ही इसके प्लेइंग 11 के बारे में कि क्या होगी एशिया 11 की टीम, वो कौन कौन से खिलाड़ी खेलेंगे एशिया 11 की तरफ से वर्ल्ड 11 के खिलाफ, जो कि इससे पहले भी एशिया 11 वर्सेस वर्ल्ड 11 के बीच मैच खेला जा चुका था, जहां पर सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, शोएब अख्तर, अब्दुल रज्जाक जैसे कई बड़े बड़े खिलाड़ी एक साथ ही खेलते थे वर्ल्ड 11 के खिलाफ। और एक बार फिर से होने वाला है एशिया 11 वर्सेस वर्ल्ड 11 के बीच जबरदस्त T20 सीरीज, जहां पर एशिया के सभी टीमों के जबरदस्त खिलाड़ी एक टीम में खेलने वाले हैं वर्ल्ड 11 के खिलाफ। तो गाइस, पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखते रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, वहीं अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इसमें आपको मिलने वाली है क्रिकेट से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी न्यूज एंड अपडेट सबसे पहले। अब दोस्तों, अगर हम बात करें तो एशिया 11 वर्सेज वर्ल्ड 11 के बीच इंटरनेशनल T20 मैच खेला जाएगा बांग्लादेश में, यानी कि ICC ने होस्ट दिया है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, जहां पर एशिया 11 वर्सेस वर्ल्ड 11 के बीच दो T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले जाएंगे, जो कि पहला T20 मैच खेला जाएगा 18 मार्च को शेर बंगला नेशनल स्टेडियम मीरपुर में, तो इसके बाद दूसरा T20 मैच खेला जाएगा जो कि ये भी शेर बंगला नेशनल स्टेडियम मीरपुर में खेला जाएगा। अब अगर हम बात करें एशिया 11 की प्लेइंग 11 के बारे में कि क्या हो सकती है एशिया 11 की प्लेइंग 11 वर्ल्ड 11 के खिलाफ है, तो यहां पर नंबर एक पर रोहित शर्मा टीम इंडिया के जबरदस्त ओपनर बल्लेबाज, जो कि हिटमैन के नाम से मशहूर हैं क्योंकि ये शानदार बल्लेबाजी करते हैं और बेहतरीन हिटिंग बल्लेबाजी भी करते हैं स्टार्टिंग से ही। वहीं अगर हम बात करें नंबर दो की, तो नंबर दो पर नाम आता है बाबर आजम का, पाकिस्तान के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज माने जाते हैं, काफी शानदार बल्लेबाजी करते हैं और इस टाइम पर T20 रैंकिंग में भी नंबर वन पर मौजूद हैं। अगर हम बात करें नंबर तीन की, तो नंबर तीन पर वर्ल्ड के जबरदस्त बल्लेबाज यानी कि दारन मशीन टीम इंडिया के कप्तान और बैट्समैन विराट कोहली, जो कि ये वन डाउन की बैटिंग करेंगे। वहीं अगर हम बात करें नंबर चार की, तो नंबर चार पर टीम इंडिया के युवा विकेट कीपर बल्लेबाज जो कि ऋषभ पंत या फिर मुशफिकुर रहीम, जो कि बांग्लादेश के एक एक्सपीरियंस एक अनुभवी विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, जो कि इन दोनों में से किसी एक को खिलाया जा सकता है। अगर बात की जाए नंबर पांच की, तो नंबर पांच पर जबरदस्त ऑलराउंडर साकिबुल हसन, जो कि ये भी इस टाइम पर काफी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। वहीं इसके बाद नंबर छह पर हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के जबरदस्त ऑलराउंडर, जो कि बॉलिंग के साथ साथ काफी शानदार हिटिंग बल्लेबाजी करते हैं। तो इसके बाद नंबर सात पर होंगे मोहम्मद नबी, जो कि ये भी एक शानदार ऑलराउंडर माने जाते हैं अफगानिस्तान के। अगर बात की नंबर आठ की, तो नंबर आठ पर होंगे राशिद खान, वर्ल्ड के सबसे खतरनाक स्पिनर में से एक, जो कि स्पिन बॉलिंग के साथ साथ अच्छी खासी बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें नंबर नौ की, तो नंबर नौ पर होंगे मोहम्मद आमिर, पाकिस्तान टीम के जबरदस्त फास्ट बॉलर। तो इसके बाद नंबर दस पर होंगे जसप्रीत बुमराह, यॉर्कर किंग, जो कि ये भी काफी शानदार बॉलिंग कराते हैं। इसके बाद नंबर ग्यारह पर होंगे श्रीलंका टीम के बेहतरीन तेज गेंदबाज T20 स्पेशलिस्ट इशरू वदाना। तो गाइस, ये रही एशिया 11 की संभावित प्लेइंग 11, जो कि ये प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 है। अभी तक एशिया 11 की प्लेइंग 11 अनाउंस नहीं हुई है, यानी कि अभी तक टीम अनाउंस नहीं हुई है। जैसे ही टीम अनाउंस होगा, आपको हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट सुपर फैंस में सबसे पहले उसकी एक अलग से वीडियो मिल जाएगी। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इसमें आपको मिलती रहती है लगातार क्रिकेट से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी न्यूज एंड अपडेट सबसे पहले।